welcome to Brands Impact presents Success Stories Zameen Se Falak Tak Season 1 in association with Sampatti Trading and Developers Limited, Pushti Group and BollywoodCart.com. और हमारे फैशन पार्टनर हैं एब्सोल्यूटो, जिनके फैशन की खासियत है हर दौर में टिके रहना, जैसे हमारी कहानी के हीरो, नायक, किरदार, प्रोटैगनिस्ट। दोस्तों, आज हम जब कोई क्रांतिकारी कदम उठाते हैं तो आधी दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है, लेकिन जिसे अपने मंजिल पर यकीन होता है, भरोसा होता है, वो आगे चलकर जरूर एक मिसाल बन जाता है। ऐसा ही कुछ यकीन था आज के हमारे मेहमान माया नगरी मुंबई से आए श्री नितिन शाह को अपने आप पर। इन्होंने जब कंप्यूटर को अपनाया तब कोई ये नहीं जानता था कि एक दिन कंप्यूटर हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन जाएगा। नितिन शाह उन चंद लोगों में से हैं जो कंप्यूटर का इस्तेमाल शुरुआत से कर रहे हैं, और अपने इस एक्सपर्टीज और एक्यूमन का एडवांटेज लेकर इन्होंने अलायड डिजिटल नाम का एक एम्पायर खड़ा कर दिया। तो इनके खैर मकदम में जहन में एक शेर का उभरना तो लाजमी है, जिसे मैं आपकी इजाजत ना भी हो तो भी सुनाना चाहूंगा। न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। Ladies and gentlemen, please put your hands together for the chairman and managing director of Allied Digital, Shri Nitin Shah. Nitin ji, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। इस सफर की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये कंप्यूटर का जो नॉलेज है इतना सारा आपके पास, वो कहां से आया? कंप्यूटर के बारे में आपने तब सुना जब कंप्यूटर मालूम नहीं था लोगों को है क्या, लोगों को लगता था ये हुआ है। खानदान ने या माता पिता ने या दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने कभी आपसे ये नहीं कहा कि किस कहाँ जा रहे हो यार, ये क्या कर क्या रहे हो? क्योंकि हिंदुस्तान और कंप्यूटर उतने ही दूर हैं जितना चांद जो है वो जमीन से। आप कन्विंस पहले कैसे हुए कि आपको कंप्यूटर में ही जाना है, और आपने उसका पोटेंशियल कैसे ढूंढा? देखिए, मुझे इंजीनियर बनना था, वो मैंने 7th स्टैंडर्ड में था तभी तय कर लिया था। अच्छा। और मैंने सोचा था कि टेक्निकल स्कूल में मैं SSC करूं, तो मैंने अप्लाई किया था एल्फिस्टन टेक्निकल हाई स्कूल, साउथ बॉम्बे की वेरी वेल नोन स्कूल, जहां हमारे काफी रैंक होल्डर्स आए थे। उस जमाने में लोग बोरीवली मुलुंड घाटकोपर अंधेरी से आते थे, एंड मोस्ट ऑफ देम वर ऑल रैंक होल्डर्स, सो आई गॉट अ चांस टू वर्क देयर, एंड आई वाज द रैंक होल्डर्स अबाउट द अमंग्स द रैंक होल्डर्स। वाह। एंड इट वाज डिसाइडेड कि इन 7th स्टैंडर्ड आई विल मूव टू टेक्नोलॉजी एरिया, एंड देन आई गोट एन एडमिशन इन IIT। और जब मैं कॉलेज में था, 77 वॉज द फर्स्ट बैच जहाँ कंप्यूटर साइंस वॉज अ स्पेशल सब्जेक्ट, तो मैंने वो चूज किया था, तभी तय कर लिया था कि मुझे कंप्यूटर में जाना है। और लकीली मुझे फर्स्ट जॉब भी ऐसा मिला जो कंप्यूटर मेंटेनेंस कॉरपोरेशन में, जो जिन्होंने IBM, आई थिंक यू माइट बी नोइंग, IBM वॉज आस्क्ड टू लीव इंडिया, इट क्रिएटेड अ बिग वैक्यूम, गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ कंपनी CMC, आई गॉट अ चांस व्हेन द CMC वॉज जस्ट फॉर्म्ड। अच्छा। एंड आफ्टर आई ज्वाइन IBM वॉज टेकन ओवर, सो मैं IBM का मेन फ्रेम सपोर्ट कर रहा था, तो माई कैरियर वॉज लाइक अ कस्टमर सपोर्ट इंजीनियर, काम था मेरा ट्रबल शूटिंग। जहां तक मैं जानता हूं कि एक बहुत ही मॉडेस्ट शुरुआत आपकी हुई थी, 5,000 रुपए ऐसे लेके, एक छोटा सा ऑफिस, छोटा सा टेबल, एक आधे लोग, डेढ़ लोग, दो लोगों के साथ आपने शुरुआत की थी। किस तरह की वो शुरुआत थी, क्या उस वक्त आपको लगता था कि ये जर्नी जो है बहुत आगे जाने वाली है? Were you very confident of your success, of your future? Honestly speaking, no. हाँ। ये ऐसा है कि डेस्टिनी ट्रैक भी थे जी। मैं अच्छा खासा जॉब था, व्हाइट कॉलर, अच्छा सैलरी मिल रहा था उस जमाने में जी। लेकिन मेरे कई कस्टमर एक जो थे बहुत बड़े कस्टमर, वहां पे कुछ उनके यहाँ पे बहुत मेन फ्रेम कंप्यूटर वॉज डाउन फॉर 2 मंथ्स, और कोई इंडियन कंपनी कर नहीं पा रही थी जिसने सप्लाई किया था, तो उन्होंने मुझे याद किया और मुझे बोला कि तुमको ये करना ही पड़ेगा। आई सेड मैं तो काम जॉब कर रहा हूँ। लकीली मैं बोला एक दिन छुट्टी लेता हूँ, और मैंने वो रिपेयर कर दिया 24 घंटे में। तो वो मुझे बताया कि आई हैव मोर कॉन्फिडेंस ऑन यू देन व्हाट यू हैव गॉट, आपको क्या चाहिए मुझे बताइए, ये बिजनेस ले लीजिए। वो बिजनेस का जो रिवेन्यू था वो मेरी सैलरी से काफी ज्यादा था। टेक्नोलॉजी को लेकर आप कितना उत्साहित रहते हैं हर रोज? एवरी डे योर माइंड इज फंक्शनिंग लाइक फंक्शनिंग ओवर टाइम एवरी डे, कि मुझे कल क्या करना है, या रात में ख्वाब आता है कि एक नई चीज मेरे जहन में आई, मेरे दिमाग में, मुझे कल ये इजाद करना, वो करना, आई मीन व्हाट आर यू इनटू बेसिकली? हमने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट किया है पूना में, इज अ स्मार्ट सिटी सेफ सिटी प्रोजेक्ट। अच्छा। अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ कि कोई स्टोलन कार अगर पूना में कहीं से भी एंटर हुई, अच्छा, तो पूरा स्क्रीन पे उसका पिक्चर आ जाएगा, वो कहाँ पे है, GIS, ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम और GPS, इमीडिएटली इट कैन बी कॉट। तो ये जो ऑटोमेशन हुआ है टेक्नोलॉजी, जो हमने पहली बार यहाँ पे, मतलब इंडिया वी आर द फर्स्ट वन, उसके बाद में हमने इंटीग्रेट किया है, कोई क्रिमिनल, कोई सस्पिशियस पर्सन है, हाँ,
उसका फोटो ले लिया और हमारे पास एक बहुत बड़ा नेशनल डेटाबेस है जहाँ पे हर एक क्रिमिनल का इन्फॉर्मेशन है। और कोई सस्पेक्टेड आदमी का फोटो अगर कंपेयर करे तो ऑन द स्पॉट इमीडिएटली उसका पूरा हिस्ट्री मालूम पड़ जाएगा। हमारे पास भी एक ऐसा गैजेट, आपको मालूम है कि नहीं, ये जो स्मार्ट स्टूडियो है हमने भी ये गैजेट लगा कर रखा हुआ है और गैजेट में और डेटाबेस भी अच्छा है। उसमें बताया कि आपके बेटे जो हैं और आपके बहू यो यहाँ आए हैं और आपके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं उनको यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर नेहल एंड सलोनी। नेहल एंड सलोनी, वेलकम टू द शो। नाउ हाउ डू यू सी योर फादर, मतलब आप उनको किस रूप में देखते हैं? So, मेरे लिए तो बचपन से, मतलब माय फादर इज ऑलवेज बीन अ फादर, इज मोर लाइक अ फ्रेंड। एंड काफ़ी चीज़ें जो मुझे उनसे सीखने मिलती है, मिली है, मिल रही है, और रोज़ मैं उनको देखता हूँ तो मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में आती है। आगे मसलन, आगे बढ़ने के लिए लाइक बचपन की बात करता हूँ, जैसे मतलब जब हम मैं मेरी बहन जो हम गेम्स खेलते थे नाइट व्हेन ही इज़ टू कम, सो ही विल मेक श्योर कि जो गेम्स भी हम लोग खेले ना हुए उससे हमारा इंटेलेक्चुअल थिंकिंग बढ़े। सो हिज आइडिया, हिज वे ऑफ थिंकिंग वॉज सो स्ट्रेट कि आप कोई भी आलतू फालतू गेम नहीं, कोई नहीं, बस आपकी थिंकिंग की कैपेसिटी बढ़ाने में वो आगे रखते थे हमें। सो ये एक चीज थी। चलो आप बताइए इनके बारे में, जब आप एक नए घर में आई, ऑब्वियसली किसी और घर से आप इस घर में आई, कैसे देखती हैं अपने फादर इन लॉ को? आई मीन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज, हाउ डू यू रेट हिम ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10? देयर आर 5 मेजर थिंग्स दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम हिम ओवर दीस 2 इयर्स। द फर्स्ट वन इज ऑलवेज एम बिग, हमेशा बड़ा सोचो, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक डिफरेंट, थिंक डिफरेंट, read between in between the lines, like analyze, analysis is see the final important print. Yeah. And one thing he always follows is kuch bhi kaam start karo hamesha wo pura karo, usme beech mein se chhod ke nahi rakhna chahiye, always finish off what you start. Modi ji ki tarah, yes, ha, jo shuru karo usko khatam kar do. So that is one thing which is very good in him. Nitin Shah ji, aapki zindagi mein ek trasidi hui jab aapne apni patni ko kho diya, kaise deal kiya? It wasn't just easy that time. Aur वैसे भी उनकी जो डेथ हुई कोई बम बत्ती बुझ जाती है उस टाइप से हुई है, सो इट वॉज इम्पॉसिबल टू बेयर फॉर नेक्स्ट 6 months. मुझे पता ही नहीं चलता था मैं क्या कर रहा हूँ. एंड द लास्ट सेंटेंस ही अटर्ड के प्लीज टेक केयर ऑफ नेहल इंदरा, इट इज स्टिल इन माई माइंड. नहीं, वो कुछ चीजें कभी दिमाग से कभी जहन से जा ही नहीं सकती. तब से मैंने डिसाइड किया था कि मेरी लाइफ में नेहल धारा का ध्यान रखना और बिजनेस और कोई तीसरी, या तो मैं ऑफिस में रहूंगा या तो उनके साथ रहूंगा. तो मैंने दोनों रोल प्ले किया, डबल रोल, माँ का और पिताजी का. और जो मैं काम कर रहा हूँ वो पैसे के लिए नहीं है, पैसा फॉर मी इज अ सेकेंडरी थिंग, इट्स एन आउटकम ऑफ द बेस्ट एक्ट. आई थिंक आई एम कंटिन्यूइंग माई बिजनेस just because I'm extremely ambitious and I think I'm capable. ek acche ek khushgawar ek mizaj ki aur abhi hum log badhe hain to maine suna hai ki aur aapne bataya bhi ki aap bahut acche gayak hain aur aaj aapka gala baitha hua hai lekin bawajood uske lekin aapka sentiment to nahi baitha hai na, aapke jazbaat to waise hi hain, to aap gaaye aur hum sab aur aapko bhi aur aapko sabko saath dena hai. jab koi baat bigad jaye, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा. न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा. इनकी बातें मैंने जो सुनी वहां से बरबस एक फिर से एक शेर जो है दिमाग में उभरा, वही हकदार हैं किनारों के जो बदल दे बहाव धारों के. जैसे नितिन शाह जी ने मुश्किलों की सभी धाराओं को मोड़ दिया, और वैसे अभी हमें अपने शो की धारा को मोड़ने की सख्त जरूरत है. लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं. कभी किसी ने बुरी बात भी कही आपके बारे में? हाउ डू यू टेक क्रिटिसिज्म? ऑनेस्टली स्पीकिंग, इन माय कंपनी आई टेल पीपल कि प्लीज टेल मी बैड थिंग्स ओनली. क्रिटिक डजंट इवन क्रिटिक अनलेस इट कम्स विद अ करेक्टिव मेजर्स. सो आई टेल देम वेरी क्लियरली, यस आई एम रेडी टू हियर क्रिटिक्स, सेवरल क्रिटिक्स हैव कम, इट हैज ओनली हेल्प मी आउट. Wellness Pathcare, a reliable name in preventive health checkup. Wellness Pathcare has team of highly experienced pathologists gives you the most accurate and reliable results. www.wholebodycheckup.com.
global advertiser for innovative outdoor solutions. Stunning gowns, gorgeous saris aur exclusive lehengas ki ethnic collection sirf ek click par. Log on kare bollywoodka.com. Shuruaat sirf 399 rupaye se. This is a wonderful platform to bring together like-minded people. Give her wings, let her fly. Brands Impact presents Success Stories, Zami Se Falak Tak, Season 1. In association with Sampatti Trading and Developers Limited, Pushti Group, BollywoodCard.com, co-powered by Wellness Pathcare, Fashion Partner Absoluto, Outdoor Media Partner Global Advertisers. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा. हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे शो ब्रांड्स इंपैक्ट प्रेजेंट सक्सेस स्टोरी जमी से फलक तक सीजन वन में. और हम बात कर रहे हैं इस वक्त अलाइट डिजिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन श्री नितिन शाह जी से. ब्रेक में जाने से पहले तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे हुई और आपके बेटे और आपकी बहू ने भी बहुत कमाल की बातें आपके बारे में बताई. एक इंसान जब कामयाब होता है और जब अच्छे दिल का होता है तो बहुत सारे लोग उससे जुड़ जाते हैं, उसके बारे में कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं. आपका जो हसीन सफर रहा है आपकी कामयाबी का, उसको एक बार देखना चाहेंगे और दर्शकों को दिखाना चाहेंगे. Allied Digital is well renowned as a leading global IT transformation architect with an impeccable track record for designing, developing, deploying and delivering end-to-end IT infrastructure services. With over 2 decades of proven experience, Allied Digital responsibly delivers cutting-edge IT services and solutions to a wide range of industries spanning 35 countries across 5 continents. Its vision is to become the most admired global IT services provider by developing technological depth and consistently applying the best management practices for operational excellence. The company's core values are to be determined by the pyramid, which is more than just its logo. It is the essence of what provides a strong culture and a constant guiding light to everyone in the organization, and is the reason for everything that they are today. For over 2 decades, ever since he started Allied Digital Services, Nitin Shah, the chairman and managing director of this fastest growing global IT company with Indian origin, he has been a commercial innovator, a cultural inspiration, and an entrepreneurial icon. His passionate perfectionism, enthusiastic commitment, piercing dedication and vision is embedded in the DNA of Allied Digital Services today. बहुत खूब. आपने जो एक ख्वाब देखा कि globally ये सबसे एक बड़ी कंपनी हो जाए, उस सफर में ये कंपनी कहाँ तक पहुंची है और कहाँ तक पहुंचेगी? मैं मेरी एंटरप्रेन्योर जर्नी को 5 फेज में बताऊंगा. जब 84 में चालू किया तो 93 तक फेज 1 था, जो ग्रोथ स्टेज था, जो सक्सेस स्टेज था. आई बिकम एम्बिशियस 93 एंड आई डिसाइडेड कि लेट्स क्रिएट अ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन. सो आई क्रिएटेड विजन, मिशन स्टेटमेंट एंड क्रिएटेड कोर वैल्यू विच इज स्टिल टुडे वी आर ऑब्जर्विंग दैट. आई यूज टू टेल के इट्स नॉट प्रॉफिट एंड लॉस दैट्स इम्पोर्टेंट ऑन योर बैलेंस शीट, बट हाउ मच इंट्रिंसिक वैल्यू दैट यू क्रिएटेड. दैट्स वंडरफुल. इट्स नॉट द प्रॉफिट और द लॉस, बट इट्स ऑलवेज द इंट्रिंसिक वैल्यू दैट. एंड आई केप्ट ऑन ड्राइविंग लाइक अ मैड. आई वाज वंडरिंग दैट वी हैव टू गो अब्रॉड. With our large competitors, they were earning in dollars and spending in rupees. So my vision and the dream was to go abroad, but it required a huge amount of money to invest. So we said, let's go for inorganic growth, either have private equity or IPO. So we decided to go with IPO because we were IPO-able that time. Surprisingly, that oversubscribed 69 times. Gotcha. We got listed in BSE and NSE. So currently is the most interesting phase that we are going on. Everything is getting digitalized. And in that process, we have increased our reach. Right down to 92 countries. A company which started with one table space today has got support, which is a present. huge achievement. Aur achhi baatein to bahut hain,
कभी किसी ने बुरी बात भी कही आपके बारे में? हाउ डू यू टेक क्रिटिसिज्म? ऑनेस्टली स्पीकिंग, इन माय कंपनी आई टेल पीपल कि प्लीज टेल मी बैड थिंग्स ओनली. क्रिटिक डजंट डिमांड क्रिटिक अनलेस इट कम्स विद अ करेक्टिव मेजर्स. सो आई टेल देम वेरी क्लियरली, यस आई एम रेडी टू हियर क्रिटिक्स. Several critics have come. It has only helped me out. That's very important. खैर, critics की तो बहुत बातें हो गई, अब थोड़े प्रशंसकों की भी बात हो जाए. जो लोग आपको दिल से एडमायर करते हैं, your admirers, one of them is your own brother, प्रकाश, जो यहाँ पर आए हुए हैं, और उनकी पत्नी तेजल. और हम उनसे भी सुनना चाहेंगे कि वो आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं. Ladies and gentlemen, please put your hands together for प्रकाश and तेजल. भाई, हम लोग तो पिछले कई सौ साल से यहीं बैठे हुए हैं, इनके बारे में सुन रहे हैं, क्योंकि इतना कुछ इनको कहना है और इतना कुछ हमें सुनना है और दुनिया को भी सुनना है. आप लोगों का क्या कहना है इनके बारे में? He is always a father figure to us, though he is a brother-in-law. जी. And he is a fantastic human being. प्रकाश जी, इनके गुणों पर प्रकाश डालें जरा. मुझे सिर्फ एक ही कहना है कि उनका जो विजन था, ओके, 1984 से आज तक, इट इज द सेम विजन. और हम सब ने डिसाइड किया कि अनकंडीशनली आई हैव टू सपोर्ट दिस विजन. तो आपने किस तरह से इनको सपोर्ट किया? माय रोल वाज टू टेक केयर ऑफ द फाइनेंस एंड द ऑपरेशंस. इसीलिए खुश रहते हैं. एंड व्हेनेवर वी कम विद एनी डिफिकल्टीज और एनी प्रॉब्लम्स, ही इज अ ट्रबल शूटर, तो हम उनके पास जाते थे एंड वी यूज्ड टू गेट द रिजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स. और ये यहाँ तक मैं जानता हूँ, मुझे बताया गया कि एक एनजीओ भी चला रहे हैं. यस. एनजीओ की तरफ झुकाव इनका कैसे हुआ और आप कैसे कनेक्टेड हो उससे? नो, चैरिटी तो हम पहले से करते थे, बट आफ्टर आईपीओ हमने डिसाइड किया कि लेट अस फॉर्मलाइज दिस चैरिटी. सो वी एस्टैब्लिश पद्म प्रज्ञा ट्रस्ट एंड द एंटायर फंक्शनिंग एंड एवरीथिंग इज बीन डन बाय माय वाइफ तेजन. एट द एंड ऑफ द डे, नितिन जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि परिवार का साथ रहना और एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे की परेशानियां, दिक्कतें, शॉर्टकमिंग, स्ट्रेंथ, सबको समझते हुए, जानते मानते आगे बढ़ेंगे तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती है. नितिन शाह जी, आपके परिवार के तीन अहम किरदार, आपकी बेटी, आपके दामाद और आपके भतीजे ने आपके बारे में कुछ कहा है. हैव अ लुक. I can say that if someone can bring a organization from two table space to our organization spread across globally, that itself talk about the dedication and keep moving forward attitude of my dad and my uncle. Papa, you have taught me a lot of principles in life which I have imbibed in me throughout my life, and I keep doing the same irrespective of, you know, me staying far away from you. I've learned a lot from you, and you are a true inspiration and a role model for me. It's really difficult to play a role of both mother and father and still balance the professional and personal life and still keep achieving new milestones every day. Really proud of you, and I'm really blessed to be your daughter. Love you a lot and miss you so much. True living legend and somebody who can grow from a small dream to such a big corporation. It's a real inspiration for today's millennials. Simple living and high thinking is what we have learned from him and what we are seeing in his life personally. We are really proud of what you have done. Really keep moving forward and we are always there to support you. Thank you. Hi Nitin Aga, hope you are doing well. It has been an amazing experience growing up, looking at you and getting great inspiration. I have learned a lot from you and you have always guided me in choosing my career path and helping me out make important decisions in my life. You have always moved ahead and made sure even at this age stay ahead of the tech industry, and I really miss the long conversations we have about the tech industry and new innovations, and I hope someday Nihal Dara and me fit into the big shoes that you all have left behind and take the legacy of Ally Digital to new heights. Wow, fantastic. आपके हिसाब से जिंदगी की परिभाषा क्या है? जिंदगी इट्स जस्ट वन लाइफ टाइम वन गेट्स, एक ही बार. मैं तो जानता हूँ कि हमें नसीब से एक लाइफ मिली है, वाई नॉट टू यूज द बेस्ट ऑफ दैट. सो कीप परस्यूइंग द बेस्ट एक्ट एंड सी दैट यू मेक बेस्ट यूज ऑफ योर लाइफ व्हिच गॉड हैज गिवन टू यू. बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का और हमसे बात करने का. जाने से पहले एक मेमेंटो है आपको देना चाहेंगे. दिस सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस और हमारे स्पॉन्सर्स bollywoodcart.com की तरफ से गिफ्ट वाउचर्स और हमारे फैशन पार्टनर एब्सोल्यूटो की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर.
आज हमारी मुलाकात अलाइड डिजिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन श्री नितिन शाह से हुई, जिन्होंने भीड़ से अलग अपना एक मकाम बनाया। आम तौर पर हर शख्स यहां दौड़ता है भीड़ की तरफ, फिर यह भी चाहता है उसे रास्ता मिले। जब आप भीड़ से थोड़ा आगे चलेंगे तभी आप भीड़ से जुदा दिखेंगे। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आप इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं, जस्ट लाइक मिस्टर नितिन शाह। अगर आपकी भी ऐसी ही एक सक्सेस स्टोरी है और आपको लगता है कि हमारे देश की जनता आपकी कहानी से प्रेरणा ले सकती है तो हमें लिख भेजिए info@brandsimpact.in, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-120-4970। अगर आपकी कहानी वाकई इंस्पिरेशनल है तो हम आपको अपने शो पर जरूर बुलाएंगे। अगले रविवार आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। ब्रांड्स इंपैक्ट प्रेजेंट सक्सेस स्टोरी जमी से फलक तक सीजन वन इन एसोसिएशन विद संपत्ति ट्रेडिंग एंड डेवलपर्स लिमिटेड, पुष्टि ग्रुप एंड bollywoodcard.com और हमारे फैशन पार्टनर एब्सोल्यूटो के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं शेखर सुमन आपसे विदा चाहता हूं। कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे बदल गए। नमस्कार, जय हिंद। बहुत सारे ऐसे रोजमर्रा की जिंदगी में अखबारों में सुर्खियां जब थी कि फला डॉक्टर जो है किसी का किडनी लेके भाग गया, और ऐसे हालात जब होते हैं तो लोगों का विश्वास जो है डॉक्टरों से उठने लगता है। तो डॉक्टरी का पेशा वो एक परोपकारी पेशा है या सिर्फ व्यवसाय है या दोनों है? देखिए, ब्लैक शिप्स किसी भी प्रोफेशन में कहीं भी हो सकते हैं, दे आर मिनिस्क्यूल, बट मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स आर कमिटेड टुवर्ड्स देयर पेशेंट्स बाय ऑल पॉसिबल मींस, हमेशा ही।